काफ़ी काफ़ी और काफ़ी अच्छी मूवी बनाई है, काबिले तारीफ मूवी है, काबिले तारीफ मूवी है, बहुत हार्ट टचिंग मूवी है, बहुत मज़ा आ गया। क्या बेस्ट पार्ट लगा मूवी आपको? मूवी का बेस्ट पार्ट वही लास्ट में जो कुर्बानी देता है तानाजी, जो हमारे अनसन वॉरियर दिखाया है, जिसकी कहानी किसी को पता नहीं है, जो हमारे अजय देवगन ने सबको बताने चाहते हैं, जो स्वराज्य के लिए कुर्बानी देते हैं लास्ट में, बहुत अच्छा, बहुत मतलब आदमी अपना आंसू रोक नहीं पाएगा लास्ट सीन देख के। एक्टिंग की बात करें तो कितना प्रभावित करती है? एक्टिंग तो आपको मालूम है अजय देवगन की एक्टिंग कितनी कड़क होती है। अजय देवगन के अलावा अजय देवगन सैफ अली खान भी अच्छा है, काजोल मैम डायरेक्शन और म्यूजिक की बात, बहुत अच्छी म्यूजिक है, बहुत अच्छा डायरेक्शन, तो काफ़ी अच्छा डायरेक्शन बनाया है, काफ़ी अच्छा डायरेक्ट किया है मूवी को। यस यस, एक्चुअली देखो जिसको पता नहीं है हमारा हिस्ट्री के बारे में, जो हम तानाजी के बारे में किसी को ज़्यादा पता नहीं है, तानाजी ने जो कुर्बानी दिया है हमारे स्वराज्य के लिए, बहुत मज़ा आ गया, बहुत मज़ा आ गया। आउट ऑफ फाइव, फाइव टू फाइव। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही इट्स अ बायोग्राफिकल हिस्टोरिकल मूवी और बहुत ही इमोशनल है, बहुत ही अच्छे सीन्स, बहुत अच्छे से शूट किए गए एक्शन सीन्स, और जो मेन प्रोटैगनिस्ट है अजय देवगन, उन्होंने बहुत ही अच्छा तानाजी का रोल निभाया, और बिल्कुल वो हीरा में चले जाएंगे आप, इतना मज़ा आएगा आपको। एक्टिंग की बात करें तो अजय देवगन के अलावा किसकी एक्टिंग आपको ज़्यादा प्रभावित करती है और आपको लगता है? सैफ अली खान, आई थिंक ही इज़ द सरप्राइज एलिमेंट, और उन्हें उदय भान का किरदार निभाया, बहुत अच्छा उनका रोल है। काजोल को देख के बहुत अच्छा लगा, काजोल और अजय देवगन की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, और एक्शन सीन्स बहुत अच्छे से शूट किए गए हैं, इससे 3D मूवी, तो जो हमें अपेक्षा थी उस पर खरी उभरी। बहुत अच्छा है, वेरी गुड, और अजय अतुल के साथ मेहुल व्यास का म्यूज़िक बहुत अच्छा है, गाना है शंकरा, बहुत लार्ज कैनवस पे शूट किया गया है, और बहुत ही अच्छी कोरियोग्राफी है, तो ओवरऑल आई थिंक डायरेक्शन, सिनेमेटोग्राफी, एडिटिंग बिल्कुल बहुत अच्छी है, कहीं भी ड्रैग नहीं किया, तो ओवरऑल अच्छी है मूवी। हमारी हिस्ट्री के ऊपर है कि हमारी हिस्ट्री कितनी रिच है और लोगों के वैल्यूज़ कितने रिच हैं वो दिखाया गया है, तो हमारे ट्रेडिशंस को ये यू नो संजो के रखती है। 3.5। तानाजी इज उनकी एक्शन इज वे बेटर देन द नॉर्मल मूवीज़ जो पानीपत और वो सब में हम देखते हैं। तानाजी का एक्शन वॉज वे बेटर, वेरी डिफरेंट, सो ओनली लास्ट का हाफ एन आवर इज ग्रेट एन एक्शन, एंड सैफ अली खान वॉज अमेजिंग इन द मूवी, बिकॉज अजय देवगन वी हैव सीन हिज डन ऑलरेडी सो मेनी रोल्स इन सिंगम एंड ऑल, सो उनकी झलक वो सब में दिखती है, बट सैफ अली खान वॉज रियली गुड, आई वुड वॉन्ट टू सी इट अगेन मे बी फॉर सैफ अली खान। It was good. The songs were not good. The choreography, इतना कुछ होता नहीं है, normal choreography काफ़ी funny थी, but otherwise it's a good movie. One time watch. Okay, have you seen it in 3D? Yeah, 3D. Okay. Of the 3D part, like is it like? It's good. One should watch in 3D then 2D because एकदम real life feel आता है, you know, when the arrows are coming and also then that's good. Okay, छपाक जो है, छपाक के साथ में ही लगभग release हुई है, तो आपको क्या लगता है कौन सी अच्छी रहेगी? मैंने नहीं देखी छपाक, I don't know. The next is that. It's a both are different. One is historic and one is real life incident. So we can't compare. But yeah, I would definitely want to see Chhapak as well. So one reason that audience should go and watch this movie. For the action and Saif Ali Khan, definitely must watch. Okay, great. And out of five, how many stars? 3. Figure है. उनके बारे में काफी कम बताया गया है. कुछ समझा, कुछ जाना. अहमियत को आप. मैं एक चीज और बोलना चाहूँगा भारतीय सरकार को कि जिस तरीके से हमें बचपन से मुगलों का इतिहास पढ़ाया गया है. हमारे इंडिया के इतिहास से मुगलों का नामो निशान मिटाकर जो औरंगजेब के बारे में पढ़ाया जा रहा है. हाँ, जो औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी, मोहम्मद गुरी ने 17 बार आक्रमण किया था, ठीक है. तो मैं भारतीय सरकार से एक ही इल्तिजा करूँगा, एक ही गुजारिश करूँगा कि हमारे जो भारतीय जो इंडियन की इंडिया में जो पढ़ाई होती है उसमें जो भारतीय शासक हैं, जो भारतीय जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए अपनी जान गंवाई है, उन देशभक्तों का इतिहास पढ़ाना चाहिए ताकि इंडिया की जो जनता है उन देशभक्तों से सीखे जी. और देशद्रोहियों के लिए इस देश में कोई जगह नहीं है. ये जो फिल्म आपने देखा है, ये बताइए कितने इमोशनल हुए, कितने भावुक हुए, कुछ कहना ये चाहेंगे, बहुत ही गजब फिल्म है. ये इस फिल्म का एक एक सीन आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगा, रुला देगा. और सबसे जो बेस्ट पार्ट फिल्म का जो दिखाया गया, जब अजय देवगन सैफ अली खान को मारता है तो रियल में मतलब मजा आ जाता है भाई. आपने उम्मीद की थी कि इस तरह की फिल्म होगी? मैंने उम्मीद नहीं की थी, मैंने सोचा था कि और जैसे जैसे
कलंक ने कलंक लगाया, पानीपत ने बिल्कुल धो डाला, मैं सोचा था शायद, लेकिन ये फिल्म उम्मीदों से कहीं हटके निकली। और ये फिल्म मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ कि अजय देवगन जी ने जो 100वीं फिल्म के ऊपर जो बेस्ट गिफ्ट दिया है, ये मतलब पब्लिक हमेशा याद करेगी। ओम राउत जी ने बहुत अच्छी डायरेक्शन की है और म्यूज़िक फिल्म को जोड़ता है। मतलब आप अगर जो ये चाहेंगे हम नाचें वो मत सोच के जाना, लेकिन फिल्म को आगे बढ़ाएगा और अपने हिंदुत्व को जगाने के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। आज हर फिल्म में दिखा रहे हैं कि हिंदुत्व को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये काफ़ी टाइम बाद एक ऐसी कोशिश की जा रही है जिसमें हिंदुओं को हिंदू होने पर मतलब गर्व है, प्राउड फील हो रहा है। लेकिन हिंदू को हिंदू होने पर शर्मिंदा भी महसूस कराया जा रहा है। हाँ, कराया जा रहा है। छपाक में देख लीजिए, तेजा फेंकने वाला नदीम खान दिखाया जा रहा है, राजेश शर्मा बेचारा म्यूजिक डायरेक्टर है जो मुंबई में म्यूजिक बना रहा है, बेचारा वो किसी पे क्या तेजा फेंकेगा। मैं छपाक को भैया बायकॉट करूंगा, मैं नहीं देखूंगा। JNU वाले जो देश को जला रहे हैं, जो देश को जलाए वो देशद्रोही होता है, राइट। दीपिका उनको जाके सपोर्ट कर रही है, वो सभी को पता है पिक्चर के प्रमोशन के लिए। जब प्रियंका रेड्डी का रेप हुआ, उसको जिंदा जला दिया गया, तब कौन से बिल में घुस गई थी दीपिका? जब निर्दोष लोगों के ऊपर पत्थर फेंके जा रहे थे बंगाल में, ट्रेनें जलाई जा रही थी, तब सड़कों पे क्यों नहीं उतरी? ऐसा उनके साथ क्या हो गया? देशद्रोहियों को अगर मिल के जम के धो दिया तो अच्छा ही हुआ ना भाई। भैया सबसे बड़ा रीज़न ये है कि शिवाजी महाराज मराठों ने इस देश को, इस भारत हिंदुत्व को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाई है, और जिसमें हिंदुत्व का खून है, जो इंडियन है उसको ये मूवी देखनी चाहिए, क्योंकि हिंदू है, हिंदुस्तान है तो हम सब हैं, हिंदुस्तान नहीं तो हम कुछ भी नहीं। और हिंदुस्तान में आज हम माइक पकड़े, आप भी तभी खड़े हैं, और आज हम भी माइक के सामने तभी बोल रहे हैं जब अनेक हिंदुओं ने अपना खून बहाया इस देश की आज़ादी के लिए। मैं तो भाई 100 में से 100 दूंगा। जी शुक्रिया। एब्सोल्यूट। क्या था, अच्छा पार्ट, क्या कुछ कहना चाहेंगे? वेल, तानाजी हैज डन इट्स जॉब। जैसे हमने ट्रेलर से ही ऑलरेडी उम्मीदें लगा रखी थी कि यार ये मूवी पर्दा फाड़ देगी, और हम जब भी इस मूवी, कोई भी मूवी का ट्रेलर देखे ये उम्मीद करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है नहीं यार ये अच्छा नहीं था, वो अच्छा नहीं था, बट जैसे उम्मीद रखी थी पर्दा फटी गया अंदर। ऐसे लगा कि अजय देवगन इज जस्ट कम आउट ऑफ द स्क्रीन, ऐसे लगा अजय देवगन ने ऐसे फाड़ा है स्क्रीन और बाहर आ गए। मतलब इससे ज्यादा कुछ हो सकता है क्या? एब्सोल्युटली। देखिए सिंगम का अवतार तो सीधी सीधी बात है, जब आप सिंगम बनाते हैं तो वहाँ उस वो दुनिया ही अलग है, वो दुनिया आज की दुनिया से मेल खाती है, करेक्ट। बट जब आप तानाजी बनाते हैं तो वो दुनिया बहुत अलग होती है। लेकिन कहने की आपको उसकी छवि दिखी? सिंगम की छवि बिल्कुल नहीं दिखी मुझे, क्योंकि अगर सिंगम की छवि दिखनी थी तो शायद कुछ कमियां होती तो शायद वैसे दिख पाती। ओम रात हैज एक्चुअली हैड मेक श्योर कि कमियां दिखे ना, क्यों दिखेंगी, क्योंकि बिकॉज ही इज डन इनफ रिसर्च ऑन द मूवी, एंड जो मालुश्री फैमिली है उन मेंबर्स से कंसल्ट भी किया है इन्होंने, तो जो भी हिस्ट्री से डिपेंडेंट बातें हैं वो सब बाखूबी ध्यान में रखते हुए बनाई है। एक्टिंग की बात करें तो अजय देवगन के अलावा किसने इंप्रेस किया है? ऑफ कोर्स सैफ अली खान इज रियली गुड, बट somehow अजय देवगन wins it, but सैफ अली खान ने लेड परफॉर्मेंस दिया है, जहाँ पे inherently तो वो बहुत sophisticated हैं, तो he is actually analyzed the character very well, and I still remember that crocodile वाला सीन जहाँ उसको barbecue करके खा रहा है, तो I think that's really ferocious. दोनों हाफ, आई थिंक बहुत सारी हिस्टोरिकल मूवीज होती हैं जो बहुत ही ड्रामेटिक और लेंदी एडिटिंग उसमें कम होती है, सीन्स चलते जाते हैं लंबे लंबे, बट एक ऐसी मूवी है जैसे मैंने बताया कि पहचान बदल दी अजय देवगन और ओम रावत ने, एक ऐसी मूवी है जहां इतना पेस है, इतना पेस कि लोग इंगेज रहते हैं पूरी मूवी। हाँ, बिकॉज ऐसी मूवी आई नहीं है, और दर्शक तो हमेशा उतावले होते हैं वैसी मूवी देखने के लिए जो पहले नहीं देखी हो, जिस टाइप की पहले मूवी नहीं देखी हो। जैसे एक लगान आई थी 2000 में, उस मूवी ने जॉनर के मामले में पूरी रिकग्निशन ही बदल दी थी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में। ऐसे ही हिस्टोरिकल मूवी ऐसे पहले कभी नहीं आई जहाँ इतना फास्ट और इतना ज़्यादा पेस दिया गया हो सीन्स को, और जब पेस दिया जाता है सीन्स को वो इतने इन्हेंस होके उबरते हैं कि ऑडियंस इंगेज, क्या आई मीन टू से दे यू नो गिव ऑल द हार्ट्स आउट टू द फिल्म।
छपाक भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो उसका ट्रेलर लोग काफी पसंद कर रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है छपाक से मुकाबला रहेगा इसका? मैं मुकाबला क्यों रहेगा, दोनों मूवीज की जो रन है वो अलग रहेगी, जॉनर है वो अलग रहेगी। छपाक इज काम डाउन नाउ, अभी इट्स गोना पिक इट अप वेरी सून, बट एट द मोमेंट हीट इफ यू वांट टू एक्सपीरियंस, यू वांट टू इन दिस cold, you wanna, if you wanna experience the heat, I think TANHAJI is the best option. Okay, and out of 5, kitne stars dena chahiye? I don't have stars to give, I think I can give my heart out to this. Oh, great. Thank you. Pleasure. Yes. Bataiye uske bare mein kaise lage? TANHAJI bahut bahut hi achhi movie hai and I'm very happy that finally they made a Maratha ke upar ek movie bani hai jo itni achhi bani hai, aur main you know main sare doston ko ya sab logon ko jaake bolunga ki ye movie definitely dekho. सैफ अली खान, सैफ अली खान तो इतने अच्छे, इतना अच्छा रोल किया उन्होंने, तो मुझे तो कहीं कहीं किसी सीन में मेरे को लगा कि ही माइट हैव ओवरशैडोड अजय देवगन आल्सो। डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन इज वेरी गुड, थैंकफुली द मूवी इज ऑफ शॉर्ट लेंथ, इट्स नॉट वेरी ह्यूज, मतलब 3 घंटे का नहीं है, 3.5 घंटे की नहीं है, तो शॉर्ट टाइमलाइन की वजह से मूवी काफ़ी फास्ट पेस चलती है, कहीं पर तुमको बोर नहीं होता है, तो कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ चलते ही रहता है मूवी में। तो सॉन्ग शायद 2 या 3 गाने हैं, बट वो ऐसे कोई बड़े यादगार गाने नहीं है, बट मूवी के गानों से भी ज़्यादा उसके जो बैकग्राउंड स्कोर है वो काफ़ी अच्छा है, वो तुमको याद रहता है, जब मूवी से बाहर भी निकलते हो गाना बैकग्राउंड स्कोर चलते रहता है आपके दिमाग में। यस तो बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी अच्छा है एंड इन टर्म्स ऑफ द एंगेजमेंट में बोलूँगा फर्स्ट हाफ तो काफ़ी फास्ट पेस है, सेकेंड हाफ में थोड़ा टाइम लेता है, वो भी ज़रूरत है क्योंकि वो पूरी स्ट्रैटेजी बननी रहती है। 5 stars. Thank you, sir.